सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं इत्तेजाम अहमद अंसारी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्स मसाला। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर मुसलमान देख रहे हैं तो खुद ही समझ जाएंगे, अगर कोई मेरा नॉन मुस्लिम भाई देख रहा है तो वो इस वीडियो का गलत मतलब ना ले। मैं किसी की कौम को या किसी की रिलीजन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपने रिलीजन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके रिलीजन में वो सही है तो वो सही है आपके लिए, लेकिन अगर जहाँ गलत है तो वहाँ पर तो उसको गलत समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दानिश जैन के बारे में, जिसकी 2 दिन पहले डेथ हो गई है, लेकिन लोग उसकी मौत का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि उसको लेकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं और टिकटॉक पे अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, ड्यूट करके डाल रहे हैं, और समझ रहे कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन लोग उसकी आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे कि वो तो बंदा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है। अगर इस्लामिक बिलीफ देखे कि हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारा जो अकीदा है कि अगर आप कोई गलत काम करे हो और आपके मरने के बाद वो चीज़ कोई करता है या कोई देखता है तो उसका भी गुनाह आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी शुरुआत आप किए थे। सबसे पहली बात तो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से वो बंदा कुछ इतना अच्छा काम किया नहीं कि उसकी आखिरत बहुत अच्छी रहेगी या फिर उसको मरने के बाद मतलब बहुत आराम मिल जाएगा। लेकिन बात ये भी है कि अल्लाह ताला को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए तो वो उसको माफ़ कर दे, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि उसके लिए दुआ करना चाहिए, उसके लिए कुरान खानी करना चाहिए, लेकिन कोई वो नहीं कर रहे। सब लगी है अपना अपना व्यूज बटोरने के चक्कर में, सोच रहे कि मेरा टिकटॉक का चैनल बहुत वायरल हो जाए, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत वायरल हो जाए या मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए। लोग उसकी मौत का एक गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको अगर उसके लिए इतना ही दुख है तो आप उसके लिए कुरान खानी कराओ, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर दे और उसको जन्नत में डाल दें। लेकिन हम लोग तो लगे बस अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने में और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। किसी मौत का ऐसा गलत फ़ायदा, किसी भी चीज़ का ऐसा गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और लेकिन वो बंदे की तो डेथ हो गई है, उसका तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा कहना ऐसा है कि उसकी जो इंस्टाग्राम टिकटॉक की आईडी थी और यूट्यूब चैनल है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि लोग उसकी वीडियोस को देखते रह गए, शेयर करते रह गए, तो उसके गुनाह और उसके बढ़ते रह गए, उसको और तकलीफ़ होगी उसकी डेथ के बाद भी। और ये काम कर सकता है सिर्फ उसकी फैमिली वाले, उसकी फैमिली को सबसे पहले यही करना चाहिए, वरना लोग उसकी वीडियो को ऐसे शेयर करके अपने लिए फ़ायदे की चीज़ करते रह गए, अपने व्यूज़ बटोरे गए, शेयर बढ़ाए गए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए गए। बस मैं आज की वीडियो में यही बोलना चाहता था मैं कि किसी की भी मौत का या किसी आदमी का ऐसा गलत फ़ायदा मत उठाओ कि उसको तकलीफ़ होए, चाहे ज़िंदा में चाहे मरने के बाद। हम लोग डाल रहे हैं कि अल्लाह उसको जन्नत में मकाम अता फरमाए और जो भी उसके बारे में लिख के डाल रहे हैं, कि हमारे बोलने से कोई ऐसा होने वाला है नहीं, कोई हम लोग उसके लिए दुआ नहीं कर रहे, कुरान खानी नहीं करा, कुछ नहीं। वो बंदा बदन पर पूरा टैटू बनाया हुआ था, कोई इस्लामी तरीके से उसका रहन सहन भी नहीं था मेरे हिसाब से, तो बाल अजीबो गरीब एकदम छपरी लोग के ऐसे। लेकिन मेरा बोलना ये है कि जो भी उसने किया, अब तो उसके लिए कम से कम दुआ करके उसको आखिरत संवरने की दुआ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। अब उस बंदे का, उस लड़के का जो भी रहने सहने का तरीका था या उसने जो भी किया सही या गलत, लेकिन फिर भी अल्लाह से हमारी दुआ है कि उसको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उसके गुनाह को माफ़ करे। आप लोग भी उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो कुरान खानी करिए, दिल में दुआ करिए, नमाज़ पढ़ के उसके लिए दुआ करिए, और ये प्लीज़ उसकी वीडियोस को शेयर करना, उसके लिए उसको लेके गाने डाल के उसकी वीडियोस बनाना, ये सब बंद करो, इससे उसको ही तकलीफ़ होगी। दोस्तों, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, किसी के भी लिए ये चीज़ ना करें। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि उसके साथ कार में 3 और बंदे थे, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कोई मॉडल नहीं था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, उसके यूट्यूब पर 2-3 लाख सब्सक्राइबर नहीं थे, इसलिए कोई उसकी बात नहीं कर रहे। आज लोग उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फेमस था, वो एक मॉडल या बेटे जो भी था, उसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि लोग को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये गलत बात है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी बात किसी को ख़राब लगी हो तो सॉरी, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि मैं ये बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, जय हिंद।